जो बीदारी पड़ती है जिला कार्यालय पर इसकी जानकारी दे ताकि वहां से किसी भी किसी नेता को संबंधित उस क्षेत्र के नेता को आपके घर पे आपके गांव में आपके दरवाजे पर भेजा जाए। अध्यक्ष जी, मैं एक किसान संगठन से जिलाध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान लोक शक्ति से, तो मैं महीने में 20 दिन किसानों के साथ ही समय बिताता हूँ, तो उनकी पीड़ा मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आज की डेट में डॉक्टर साहब आपसे दो शब्द कहना चाहूंगा कि आज के डेट में जो आप सेवा चुनाव के टाइम करते थे लोगों की मेडिकल के द्वारा गंगा पार क्षेत्र में, आज आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज आप मेडिकल कैंप लगवाए, वहां लोग किसान बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अमृतपुर विधानसभा के साथ में पूरी फर्रुखाबाद लोकसभा में बहुत ही जल्द आज हालांकि उसका उद्घाटन करने का मेरा मन था। श्रद्धेय नेताजी स्वास्थ्य रथ के नाम से मैंने ये इसका कार्यक्रम है जिसके साथियों एक बार पुनः हमारा आपसे आग्रह है मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे डॉक्टर साहब जितेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सभा में मुझे बोलने का अवसर दिया। और जितने भी हमारे समाज से जुड़े पार्टी से जुड़े लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस समय अपना कीमती वक्त निकाला, जबकि किसान खेतों में बहुत बिजी है, आलू की गड़ाई चल रही, दिन रात काम चल रहा है, और आप लोगों ने जो अपना समय दिया है आज के लिए, इससे ये साबित होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी रात्रि प्रवास कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी चल रही है? हम हमारे साथी डॉक्टर साहब, क्या तैयारी चल रही है? रात्रि प्रवास का कार्यक्रम आयोजित हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग बूथ को मजबूत करने के लिए देवेंद्र जी से भी निवेदन है, हम लोग जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं ताकि हम अपने लोगों से, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उनका जो निर्देश है, लोग वार्तालाप करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग पक्ष में हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करके उन समस्याओं के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी और अपना जो विपक्ष है उसका हम निर्वाह करेंगे। कई और बूथ हैं फर्रुखाबाद जिले में लोकसभा में, क्या और भी ऐसे अन्य बूथों पर भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होंगे? हमारा पहला कार्यक्रम और ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा और हर कार्यक्रम में आप देखेंगे कि उससे बेहतर कार्यक्रम होगा। आपने जो बूथ जनजागरण संवाद की ओर रखा हुआ रात्रि, मतलब जो विश्राम का रखा हुआ है, तो क्या उद्देश्य है, क्या इसकी मतलब आप जो है क्या जनता को, मतलब जो है कि आप क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता को संदेश देना हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है, हम जनता से उनकी समस्याओं के बारे में उनके घर पे जाके, उनके बूथ पे जाकर, उनकी चौपाल पे जाकर वहाँ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके लिए सरकार से कहेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो उन समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, जनता की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पहले जनता के साथ बैठना और उनकी समस्याओं को सुनना जरूरी है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से मतलब त्रस्त है, मतलब उसके लिए क्या मतलब? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो ये अब छोटी चीज़ें रहेगी, क्योंकि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई लोग इससे ग्रसित हैं, अब इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, अब अगली समस्या आएगी अगर इसी प्रकार से चलता रहा और जिस तरीके से सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार का एक शो चल रहा है, जैसे एक हर चीज़ का उनका इवेंट होता है, शो होता है और शो के बाद आप देखते हैं क्या पड़ा रह जाता है, शो में शाम को कोई शो होता है, सुबह आपको क्या उजाड़ मिलता है, हम उधर की तरफ जा रहे हैं तो कहीं हम लोग भुखमरी की तरफ ना चले जाए, उसके लिए हम लोग जनजागरण कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कोई जनजागरण का मतलब रात में जाकर हम जनता को जगाने आए हैं कि आप उठो और उठ करके देखो कि क्या समस्याएं, क्या क्या विपत्तियाँ आने वाली हैं
और इस सरकार को जितना जल्दी हो सके इसको हटाने का काम करेंगे। सरकार जनता को जो है राशन फ्री दे रही है, तो जनता उससे बहुत खुश दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी की चुन जो जा रही है। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी जा रही है और राशन फ्री का ये कह रहे हैं ना, सरकार हर चीज़ को इवेंट बनाए। इससे पहले भी तो राशन फ्री मिलता था, कोटेदार तो क्या करता था, राशन फ्री तो देता था, लेकिन अब उसको दूसरे रूप में कर दिया गया। उसी बात को बताने के लिए, जनता से बात करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है उसको दूर किया जाए। और सरकार इस समय आपने देखा होगा जब भी फ्री राशन की बात आती है उसको दोगुना कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी ज़्यादा बांटने लगते हैं। वो सिर्फ चुनाव के समय, और जिस राज्य में चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद आप राशन की व्यवस्था करवा जाती है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या तैयारी, क्या चर्चा है, क्या टिकट पक्की मान लें क्या? देखिए इंडिया गठबंधन का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे 4 विधायक यहाँ रह चुके हैं, हमारे यहाँ से सांसद जीत चुके हैं पहले में, तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो भी प्रत्याशी हमारा रहेगा उसको हम लोग यहाँ से जिता कर के भेजेंगे। ये हम आपसे टिकट किसकी पक्की मान लें अभी से कुछ कहेंगे? टिकट देना तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हैं हम लोग, हमारा काम कार्य करना है और वो आज आपको दिख रहा है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल खेल दिखाई दे रहा है, आज अखिलेश जी का भी बयान आया कि इंडिया गठबंधन से मतलब जो है जो टिकटों का बंटवारा होना चाहिए उससे कांग्रेस बिल्कुल भ्रमित हो रही है। देखिए खेल का तो हम नहीं कह सकते, मैंने सुना नहीं क्या कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो है पार्टी को मजबूत करना और गठबंधन की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व का है काम, वो देखेंगे गठबंधन किससे होना किससे नहीं होना, लेकिन हमारा काम है कि पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करके देंगे। आप जो है कि फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा में मतलब जो किसको प्रत्याशी मतलब क्या मतलब जो है किस प्रत्याशी को मतलब आप लोग जो है उसको बनाएंगे? देखिए पार्टी जिसको दे देगी हम उसको प्रत्याशी, ये तो टिकट बांटने का काम तो राष्ट्रीय नेतृत्व का नहीं। कोई जैसे कि मतलब ये जातगत आंकड़े को जैसे आप लोग जो है ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और हमेशा से कहते रहे हैं, माननीय नेता जी भी कहते रहे हैं। अब हमारा एक समाज है उसमें सभी जातियों धर्म के लोग रहते हैं, तो आप बताइए, मैंने पहले भी कहा था क्या संख्या पता लग जाएगी तो विवाद खड़ा हो जाएगा, तो क्यों लोगों को डर क्यों? मैं उनसे पूछता हूँ जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, वो ये बताएं कि अगर संख्या पता लग जाएगी तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, तब फिर मैं बताऊँ।